रिकरिंग डेसिमल वाले ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा, 1.2 रिकरिंग डेसिमल है और 0.03। अब देखिए बार क्या है, 2 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2/9, ठीक है, इनटू 0.03। बार किसके ऊपर है, 03 के ऊपर बार है, तो ये हो गया 03/99। अगर ये नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता तो हम क्या सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3/100 लिखते हैं, लेकिन बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिकरिंग डेसिमल में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.03 03 03 एंड सो ऑन, ये सब रिकरिंग हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 03/99। सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 9 9 1 9 प्लस 9 1 9 1 2 2 इंटू 3/99। अब ये हो गया 9 2 11/9 इंटू 3/99, तो 3 1 3 3 3 9 11 9 99, तो ये क्या हो गया 1/27। लेकिन इसमें से अगर आप सबको देखेंगे तो सब किसी न किसी रिकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में है, और हमारा आंसर फ्रैक्शन फॉर्मेट में आया 1/27, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करते हैं सिंप्लीफाई, इसको डिवाइड करते हैं, तो 1/27 0 आया 0 100 3 3 7 21 3 2 6 2 8 9 10 19 डेसिमल लगा हुआ था, तो 0 आएगा 27, 190 कितने में आएगा, 7 7 7 49 7 2 14 और 4 18 क्या बचा, 1 डेसिमल था तो 0 आया, फिर 0 लगाए तो एक और 0 आया, 3 81 तो ये हो गया 19, फिर 0 आएगा 7 7 7 49 7 2 18 189 1 एंड सो ऑन। अगर हम देखेंगे पैटर्न को तो क्या देख रहे हैं, 037 037 ये रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया 037 बार, तो आंसर हो गया 0.037 बार डे। रिकरिंग डेसिमल वाले ऐसे सवाल का जवाब क्या होगा, 0.2 रिकरिंग डेसिमल प्लस 0.3 रिकरिंग डेसिमल प्लस 0.32 रिकरिंग डेसिमल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 मीन्स 2/9 प्लस 0.3 इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/9 प्लस 0.32 रिकरिंग है, 32 32 32 एंड सो ऑन, तो इसको हम लिख सकते हैं 32/99। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 9 9 99 का 99 आएगा, तो 9 11 जा 99 11 2 जा 22 प्लस 9 11 जा 99 11 3 जा 33 99 1 जा 99 1 32 जा 32, तो ये क्या हो गया, 22 33 और 32 2 3 5 2 7 और 2 3 5 3 8 99 मतलब 87/99 मतलब 0.87 रिकरिंग, आंसर इज ए। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।